नमस्कार, मैं हूं आपका साथ देख रहे हैं टाइम्स 24। कृषि कानून को लेकर देश भर में हो रहा विरोध, 38वें दिन भी जारी रहा किसान आंदोलन, कड़ाके की ठंड में डटे रहे किसान। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से समीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान, आप देख रहे हैं प्राइम्स 24। इस वक्त हम जेवर के किसानों के खेतों पर मौजूद हैं, जहां से आज आपको यहीं से रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे, यहीं से किसानों की जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। और आज हम कुछ ऐसे खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कल गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान शहीद हो गए थे, जो आंदोलन में थे वो शहीद हो गए, और आज एक और सवेरे एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। हालात की किसान और सरकार के बीच में लगातार कई बार आज सातवें दौर की जो बैठक हुई है उसमें दो बातों को सरकार ने माना है, दो बातों से अभी सहमति हुई है, बाकी अभी दो बातें हैं, दो शर्तें हैं किसानों की, वो अभी बाकी है। 4 जनवरी को जो अगली आठवीं दौर की जो मीटिंग होने वाली है, वार्ता होने वाली है, आखिर उसमें क्या निकल कर आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज बात करेंगे हम इस पर कि आखिर जवान किसान, कल किसान जो शहीद हो गए हैं उस पर क्या किसी नेता ने या किसी सरकार ने टिप्पणी, किसान के लिए कुछ दो शब्द कहें या नहीं कहें। मेरे साथ जुड़े भारतीय किसान लोक शक्ति से जुड़े राजीव मलिक जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सर ये है कि कल एक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो गए थे, क्या सरकार की तरफ से या फिर कोई भी नेता की तरफ से कोई भी टिप्पणी या दो शब्द सरकार ने किसानों के लिए कहे? जो इस किसान आंदोलन में 54 किसान जो है शहीद हो चुके हैं, और कल गाजीपुर बॉर्डर पे जो गलतान सिंह पंवार जी, और आज भी पता चला मुझे सरदार कश्मीर सिंह जी, वो शहीद हुए हैं। तो इस तरह से 54 या 55 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, और मैं उनके लिए श्रद्धांजलि भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से उन अपने किसान शहीद भाइयों के लिए श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। और किसान जो देश का है उसके दिल में सदैव वो अमर रहेंगे जिन्होंने किसानों के हकों के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन जहां तक सरकारी नुमाइंदों की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या उनके कोई भी मंत्री जी हों, अभी तक किसी भी मंत्री ने या भाजपा सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उन शहीद किसानों के लिए कोई संवेदना प्रकट नहीं की है और ना ही कोई श्रद्धांजलि दी है। कि अभी जो दो मांगे मानी गई हैं हमारी 30 तारीख की वार्ता में, उनके लिए ये कह सकते हैं जैसे एक देहात में कहावत है, बोले हाथी निकल गया पूंछ रह गई अटकी हुई। तो हम चाहेंगे कि इस मुहावरे को उल्टा कर दीजिए, बोले पूंछ निकल गई हाथी अटका हुआ है। अभी तो अभी जो कुछ बचा है वो हाथी अटका हुआ है, अभी केवल पूंछ निकली है, ऊँट के मुँह में जीरा है। मांग वैसे 4 में से 2 मानी गई है, गिनती में यदि कहोगे तो आप उसे 50% बोल सकते हो, लेकिन जो मांगों का वजन है या उनकी जो अहमियत है उसके हिसाब से अभी हम केवल 20% केवल कामयाबी हमको मिली है, 80% जो है हमें लेना बाकी है सरकार से है, या उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो जो है उन्होंने कहीं उद्योगपतियों से वादा कर लिया था असल में कि भाई हम आपके लिए एक बड़ा अच्छा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको पूरा रसमलाई खाने को मिलेगी, और 80 करोड़ किसानों को आपकी झोली में डालने जा रहे हैं, उनका चाहे जैसे आप उनका खून चूसना। अब उसमें और जब आप देखिए ना कि जब आप कानून लेके आए तो किसान को तो पता नहीं चला रातों रात कानून आ गया, लेकिन कानून के आने से 2 साल पहले से वेयर हाउस बनना शुरू हो गए, उद्योगपतियों ने गोदाम बनाने शुरू कर दिए बड़े बड़े, तो इसका मतलब उन्हें पता था कि कानून आपके लिए लाया जा रहा है। इसका नाम असल में कृषि कानून नहीं है, इसका नाम कृषि बिल नहीं है, इसका नाम है कॉरपोरेट जगत कृषि कानून। ये कॉरपोरेट के दबाव में सरकार है और उसके लिए गले में फंदा फंस गया है। लेकिन भाई आपने किससे वादा किया है, हमसे पूछ के तो किया नहीं, किसको वादा किया है? किसान तो अपने हक की बात कर रहा है, और आप 80 करोड़ किसानों को दरकिनार नहीं कर सकते, या 80 करोड़ किसानों को आप नज़रअंदाज करके सरकार नहीं चला सकते और एक समृद्ध देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये झांसे में किसान आने वाला नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये हमारे लिए डेथ वारंट है, ये हमारे लिए फांसी का फंदा है, इसलिए इसे वापस लीजिए। तो अब सरकार देखिए क्या होता है। 4 तारीख को मैं आशावादी हूँ,
उम्मीद करता हूं कि सरकार ने भी ये समझ लिया है, क्योंकि सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपना करके देख लिए कि भाई इनको बदनाम करो, इन्हें तोड़ो, इनमें आपस में फूट डालो, फिर इनको धरने को लंबा खींचो ताकि ये थक के हार के और फिर घर चले जाएं। लेकिन सरकार की सारी एजेंसियों ने बता दिया कि ये दिन ब दिन रात दिन दिन दो गुना और चार गुना बढ़ता हुआ जा रहा है आंदोलन, और जिसके लिए सरकार अब तक कह रही थी कि केवल पंजाब से ही उठा हुआ आंदोलन है, अब वो सारे देश का आंदोलन बन चुका है। और यदि सरकार इस पर जल्दी से नहीं चेती तो इसके लिए फिर सरकार को गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। ये जगह जगह पूरे देश में आंदोलन खड़ा होगा और फिर सरकार से इसको संभालना भारी हो जाएगा। देश विदेश की खबरों को पाने के लिए प्राइम न्यूज़ 24 सब्सक्राइब करें।